नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको पंजाब हुकूमत की अजब करप्शन की गजब कहानी बताएंगे। ये अजब करप्शन महकमा तालीम में की जा रही है और बिलखसूस पंजाब के सरकारी स्कूलों में की जा रही है। बरतानिया के इदारे डिफिट की जानिब से हुकूमत पंजाब को ग्रांट फ्राहम की गई और इस ग्रांट का बुनियादी मकसद ये था कि डिफिट पंजाब के सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसकी रिहैबिलिटेशन करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का पूरा जो टास्क है वो महकमा स्कूल्स एजुकेशन के जो ज़ेली इदारे हैं PMIU को सौंपा गया और PMIU ने पंजाब के 11 अजला में इब्तदाई तौर पर किताबें ख़रीदने का फ़ैसला किया और इस हवाले से जो मनपसंद पब्लिशर्स को टेक्निकल तरीके से नवाजा गया ये इंतहाई हैरान कुन है। मजमूई तौर पर ये प्रोजेक्ट कितनी मारियत का है और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से कौन कौन से पब्लिशर को नवाजा गया। और दिलचस्प बात यह है कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन की जानिब से जिस फर्म को हायर किया गया, क्या वो जाब्तों पर पूरा उतरती है या नहीं, आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटे का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। पंजाब के वजीर स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास की सरबराई में 24 मई 2019 को एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की ख़रीदारी करनी है। इन किताबों की ख़रीदारी के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर करने का फ़ैसला किया गया और इस कंसल्टेंसी फर्म को ये टास्क सौंपना था कि वो पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की ख़रीदारी में मुआवनत करे। इस कंसल्टेंसी फर्म ने क्या क्या गुल खिलाए हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले उस मालियत की बात करते हैं कि जिस मालियत का प्रोजेक्ट पंजाब के सरकारी स्कूलों में किताबों की ख़रीदारी कीमत में रखा गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर 11 ज़िलों में हर ज़िले के अंदर 40-40 स्कूलों का इंतखाब किया गया और इन 40 स्कूलों में किताबों की फरहमी का फ़ैसला किया गया। और बरतानिया के इमदादी इदारे डिफिट की जानिब से जो ग्रांट हुकूमत पंजाब को दी गई, इस ग्रांट की कुल जो मालियत है वो 3,50,00,000 pounds है। इस मालियत के तहत हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि सूबे के 11 सरकारी अजला के अंदर किताबों की ख़रीदारी करनी है। इन किताबों की ख़रीदारी में मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने की तैयारी की गई और हमारे ज़राए के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट इसमें PMIU की ब्यूरोक्रेसी, वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास और हत्ता के कुछ पब्लिशर्स हैं उन्होंने मिलकर जो है इसको डिज़ाइन किया है, जिसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो महदूद पब्लिशर्स जिनकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 4 बनती है उनको ये टेंडर नवाजने की तैयारी की गई है। मैं इस टेंडर की तफसीलात बता दूं कि ये फैसला किया गया कि इंग्लिश फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों की ख़रीदारी करनी है हर ज़िले के लिए। 11 अजला हैं, हर अजला के अंदर 40-40 स्कूलों का इंतखाब किया गया है और एक ज़िले के अंदर जो फिक्शन और नॉन फिक्शन अंग्रेज़ी की किताबें ख़रीदनी हैं उसकी तादाद 8,760 है और मजमूई तौर पर ये मालियत बनती है 73,21,000 रुपये। और दूसरे नंबर पर जो है वो साइंस की किताबों की ख़रीदारी करनी है, साइंस की किताबों की जो तादाद है वो 3,400 है जबकि इसकी मालियत जो है वो 58,49,000 रुपये है। इसी तरह रेफरेंस और जनरल बुक्स की ख़रीदारी करनी है सरकारी स्कूलों के लिए, इनकी तादाद 9,440 है जबकि मालियत 1,03,62,000 रुपये है। चौथे नंबर पर उर्दू फिक्शन और नॉन फिक्शन की किताबें इन सरकारी स्कूलों के लिए ख़रीदनी है जिनकी तादाद 16,120 है जबकि मालियत 96,46,480 रुपये है। ये टेंडर जो है बुनियादी तौर पर दिया गया, हर ज़िले के अंदर इन किताबों की ख़रीदारी करनी है, लेकिन इन किताबों की ख़रीदारी करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया वो इंतहाई दिलचस्प है और उस मैकेनिज्म की तफसीलात जो हमारे सामने आई हैं कि वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत 24 मई 2019 को पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक इजलास हुआ। इस इजलास में महकमा स्कूल्स की ब्यूरोक्रेसी और PMIU जो इस स्कूल का ज़ेली इदारा है उसके अफसरान ने शिरकत की और इजलास में ये फैसला किया गया कि किताबों की ख़रीदारी के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म हायर की जाएगी और कंसल्टेंसी फर्म को हायर करने के लिए अगस्त 2019 में जो है वो एक इश्तिहार दिया गया। उस इश्तिहार के नतीजे में मजमूई तौर पर 3 फर्म्स जो हैं उन्होंने उसके अंदर इंटरेस्ट शो किया और 3 फर्म्स में से 2 फर्म को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें से एक फर्म का इंतखाब कर लिया गया, लेकिन
डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, पीएमआईयू के डायरेक्टर के मुताबिक, वो फर्म जो है इस प्रोजेक्ट को करने से दौड़ गई और उसके भागने के बाद दोबारा से महकमे ने ये फैसला किया कि वो 25 सितंबर 2019 को एक और इश्तिहार जारी करे। और इस इश्तिहार के जारी करने के बाद महकमे को मजमूई तौर पर जो है वो 9 फर्म्स ने अपने कागजात जमा कराए और इन 9 फर्म्स में से 2 फर्म्स ने जो है वो अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो जमा कराई और उसके बाद फाइनली 5 दिसंबर 2019 को एक टेंडर जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है कंसल्टेंसी फर्म्स क्वैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम। इस फर्म को ये टास्क दिया जाता है कि ये फर्म पंजाब के सरकारी स्कूलों का दौरा करेगी और इन दौरा करने के बाद सरकारी स्कूलों का इंतखाब करेगी और उसके बाद किताबों की फहरिस्त मुरतब करेगी और किताबों की फहरिस्त मुरतब करने का पूरा इख्तियार इस फर्म को सौंप दिया गया। इस फर्म ने मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने के लिए उन पब्लिशर्स को शॉर्टलिस्ट किया, उसके नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, और उसके बाद वो फहरिस्त महकमा स्कूल को जमा करा दी, यानी पीएमआईयू को जमा कराई। वो फहरिस्त जो है दोबारा से उस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में रखी और स्टीयरिंग कमेटी की सदारत जो है वो वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास कर रहे थे। डॉक्टर मुराद रास की सदारत में उस फहरिस्त की मंजूरी दी गई जो उस फर्म ने तैयार की थी। और यहाँ दिलचस्प बात है कि इस फर्म की तैयार करदा फहरिस्त को रिटायर्ड लाइब्रेरियन से वेट कराया गया और जो किताबें फहरिस्त में शामिल थी उन्हीं फहरिस्त को मिन ऑन लागू करके पंजाब हुकूमत ने महकमा स्कूल एजुकेशन के तहत मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात दिए और उन इश्तिहारात में ये कहा गया कि हमें ये किताबें ख़रीदनी हैं और इन किताबों के लिए इस मालियत का टेंडर जो है वो दरकार है। यानी कि पहले से पब्लिशर्स की किताबें मुंतखब कर ली गई और उन पब्लिशर्स की किताबें मुंतखब करने के बाद टेंडर दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा गफला ये किया गया कि मुतलका पब्लिशर्स उर्दू बाज़ार लाहौर के ख़ास तौर पर जो पब्लिशर्स हैं ताजिर हैं उनके लिए कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया, उनसे किताबों की फहरिस्तें नहीं मांगी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस फर्म को हायर किया गया, इस फर्म ने जो फहरिस्त तैयार की किताबों की, इस फहरिस्त के मुताबिक अलफैसल पब्लिशर्स की 96 किताबें और अलनफीस पब्लिशर्स की 67 कुतब जबकि बुक हाउस की 41 किताबों का इंतखाब किया गया है। इसी तरह इल्मो इरफान पब्लिशर्स की 61 किताबों को मुंतखब करके उसकी मंजूरी दी गई और ये मंजूरी भी हतमी तौर पर वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। यहाँ पर इंतहाई हैरान कन बात यह है कि जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि अलनफीस और बुक हाउस अलफैसल की मलकियत हैं और ये तीनों इदारे एक ही ग्रुप के तहत चलाए जा रहे हैं और इनको भी टेंडर में मुख्तलिफ किताबें अवार्ड की गई हैं। इसी तरह जो इल्म इरफान पब्लिशर है, इस इल्म इरफान पब्लिशर्स को जो 61 किताबें अलाट की गई हैं इसमें मजमूई तौर पर 7 स्काई और लाहौर बुक सिटी को भी बुक्स जो हैं वो उनकी किताबें भी फाइनल की गई हैं। ये तीनों इदारे एक ही ग्रुप की मलकियत हैं और इसमें हैरान कन बात यह है कि जो ये टेंडर की फहरिस्तें तैयार की गई हैं, जो अंग्रेज़ी की कुतब हैं उन किताबों में जो किताबें शामिल की गई हैं वो एमफिल और पीएचडी सतह की किताबें हैं। उन अंग्रेज़ी की कुतब को तैयार करने के लिए किसी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर, किसी यूनिवर्सिटी, किसी माहिर अंग्रेज़ी के जो लिटरेचर के जो उस्ताद हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई और जो फहरिस्त तैयार की गई पीएमआईयू के डायरेक्टर की जानिब से उसमें उनका कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये बताया गया कि एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन है, 2 रिटायर्ड लाइब्रेरियन हैं, इसी तरह डायरेक्टोरेट पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं, वहाँ से जो है इन लिस्टों को वेट कराया गया है। और हमें इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ तो बुनियादी तौर पर ये बनता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो मजमूई मालियत बताई जा रही है जिसमें सिर्फ किताबों की ख़रीदारी करनी है वो 39 करोड़ से ज़ायद है। 39 करोड़ से ज़ायद के इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने सिर्फ 4 बड़े पब्लिशर्स को जिसका नाम अलफैसल, अलनफीस, इल्म इरफान, इनको आपने नवाजने के लिए इनकी 264 किताबों का इंतखाब किया गया है और इन 264 किताबों के इंतखाब के बाद इनको टेंडर अवार्ड कर दिए जाएंगे क्योंकि अभी टेंडर ओपन हो चुके हैं और जो बिड्स जमा कराई गई थी उन बिड्स के अंदर जिन पब्लिशर्स ने, जो कि ये खुद पब्लिशर हैं जिनकी किताबों का इंतखाब किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स खोले जा चुके हैं और जल्द ही टेंडर अवार्ड होने के बाद इस प्रोसेस को मजीद कंपनी को डिसाइड किया गया है जिसको टेंडर सौंपा गया कि वो सर्वे करे। वो उस कंपनी के पास तजर्बा ही नहीं है, उसने ना किताबों के हवाले से तजर्बा है ना वो ट्रेडर है किताबों की,
ना ही वो इसी तरह से किताबों की खरीदो फरोख्त के हवाले से कोई तजर्बा रखती है और शोबा तालीम के अंदर किताबों से मुंसलिक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उसके ज़िम्मे नहीं है। और जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं इसमें ये कंपनी जो है वो एडवर्टाइजिंग के हवाले से काम करती है बुनियादी तौर पर, लेकिन उसे इतना बड़ा टेंडर क्यों सौंपा गया, ये कंपनी किसकी मलकियत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी करना बाकी है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की ख़रीदारी के अंदर किस तरह से फर्म को शॉर्टलिस्ट किया गया और किस तरह से इस फर्म के ज़रिए से प्रोसेस को मैलाफाइड करने की कोशिश की गई, ये अब तक की दस्तावेजात के मुताबिक साबित हो चुका है कि एक ही पब्लिशर्स की इतनी बड़ी तादाद में किताबों को मुंतखब करना और उर्दू बाज़ार के अंदर बिलखसूस शहर लाहौर में बड़े बड़े पब्लिशर्स को नज़रअंदाज करना इस बात की गम्माजी करता है कि प्रोसेस फेयर नहीं है। और हमारी इतलात के मुताबिक जो अंग्रेज़ी की किताबों का टेंडर अवार्ड करने की कोशिश की जा रही है उसमें भी 3 कंपनियों का इंतखाब किया गया है, उसमें पैरामाउंट पब्लिशर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बुनियादी तौर पर पैरामाउंट का इंतखाब किया गया है, मकबूल एकेडमी और वैनगार्ड पब्लिशर का इंतखाब किया गया है। वैनगार्ड पब्लिशर जो है वो बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखता है। इसी तरह पैरामाउंट के पास जो फहरिस्त इस कंपनी ने तैयार की थी, पैरामाउंट के पास उन किताबों का पहले से ही ज़खीरा मौजूद है और इन किताबों का स्कूल लेवल बिलखसूस मैट्रिक और मिडल के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये किताबें इंतहाई गैर मौजू हैं और इन किताबों का उन बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन इसके बावजूद 8-8 हज़ार रुपये की डिक्शनरियाँ, 6-6 हज़ार रुपये मालियत की डिक्शनरीज और इसी तरह लुगात और एक नहीं 4-4 वॉल्यूम पर मुश्तमिल मुख्तलिफ़ लुगात जो हैं उनकी ख़रीदारी की जा रही है। और जो किताबें खरीदी जा रही हैं उनके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, मुर्गबानी पर किताबें खरीदी जा रही हैं, पोल्ट्री के ऊपर किताबें खरीदी जा रही हैं, बल्कि इसके साथ अपना मकान कैसे बनाएं उसके ऊपर किताबें खरीदी जा रही हैं, फ़िश फार्मिंग कैसे करें उस पर किताबें खरीदी जा रही हैं, और इसके अलावा जो शकील किस्म की किताबों के अलावा जो दीवान हैं शायरी के दीवान मिर्ज़ा गालिब की किताबें खरीदी जा रही हैं और उनका पूरा पूरा दीवान खरीदा जा रहा है, क्योंकि इन दीवान और लुगात इनकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनका इंतखाब किया गया है। इस पूरे प्रोसेस की फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किताबों की ख़रीदारी के अलावा जो मजमूई तौर पर यह प्रोजेक्ट है जिसकी मालियत 3 करोड़ 50 लाख पाउंड है, इस 3 करोड़ 50 लाख पाउंड की मालियत के प्रोजेक्ट के अंदर स्कूलों के अंदर दीगर अमूर पर भी पैसे खर्च किए जाएंगे। इसमें टेबल की ख़रीदारी है, बेंच हैं, बुक रैक्स हैं, लाइब्रेरियन डेस्क हैं, लाइब्रेरियन चेयर्स हैं और सॉफ्ट बोर्ड हैं, राइटिंग बोर्ड हैं, ये मजमूई तौर पर जो ख़रीदे जाएंगे इसकी मालियत 77,90,000 रुपये है। अब हमारा ये मुतालबा है कि जिन पब्लिशर्स को नज़रअंदाज किया गया है और पब्लिशर्स से फहरिस्तें मुरतब करने के बजाय, उनसे फहरिस्तें तलब करने के बजाय फर्म के ज़रिए से फहरिस्तों का इंतखाब करना और फिर उन फहरिस्तों की को वेट करना, इस प्रोसेस को बिल्कुल जो है वो फेयर करार दिलवाना है तो इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए और थर्ड पार्टी ऑडिट में बिल्कुल ये साबित हो जाएगा, ये तमाम रिकॉर्ड, ये तमाम कागजात जो PMIU के डायरेक्टर के पास हैं, जो महकमा स्कूल्स के पास हैं, वो इनसे फौरी तौर पर कब्ज़े में ली जाएँ और एक फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि किस तरह से उस कंपनी को नवाजा गया जो कंपनी मतलूबा तजर्बा ही नहीं रखती, मतलूबा अहलियत भी नहीं रखती, और कैसे 2-2, 3-3 पब्लिशर्स और वेंडर्स को इतने बड़े करोड़ों रुपये मालियत का ठेका जो है किताबों का वो उनको दे दिया गया है ताकि उनकी जेब के अंदर पैसे जाएं। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और मौजूदा हुकूमत इस तरह से टेक्निकल तरीके से करप्शन कर रही है कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते और उसको पकड़ना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि साबित करने के लिए आपको मजीद बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और ये जो डेफिट का ये प्रोजेक्ट है, मेरी इतलात के मुताबिक डेफिट ने पंजाब गवर्नमेंट को हदफ दिया है कि नवम्बर तक आपने मौजूदा रवा साल 2020 के नवंबर तक अगर इन फंड्स को यूटिलाइज़ नहीं किया तो वो ये पैसे वापस ले लेंगे और पंजाब हुकूमत जो है वो 3 करोड़ 50 लाख पाउंड के फंड से महरूम हो सकती है। लेकिन अजब करप्शन की गज़ब कहानी के अंदर हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हमें या तो लाइलम नज़र आते हैं या उनको ब्रीफ ही नहीं किया गया कि किस तरह से उनकी नाक के नीचे उनके वज़ीर जो है वो कैसे कैसे करप्शन के तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से प्रोसेस को मैलाफाइड किया जा रहा है। आखिर में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि अंग्रेज़ी के कुतब की ख़रीदारी के लिए जिस बड़े पब्लिशर को उनकी किताबें सिलेक्ट की गई हैं वो किताबों का इंतखाब करने के हवाले से इमरान बट नामी एक शख्स ने इंतहाई क्लीदी किरदार अदा किया है और ये इमरान बट
वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज का इंतहाई करीबी है। डॉक्टर मुराद राज खुद ही जानते हैं कि उनका इमरान भट्ट के साथ क्या ताल्लुक है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये करप्शन अगर हुई तो मुस्तकबिल में कोई भी नई हुकूमत आएगी तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक नया स्कैंडल होगा।